अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल में नारियल की चटनी, जो मेंदू वड़ा इडली के साथ में खाई जाती है। ये हमने गीला नारियल लिया है, एक कप है ये। ये हमने लहसुन लिए हैं, 6 से 7 का लिया है लहसुन की। ये चने की दाल ली हमने आधा कप। 2 मिर्चें ले लेंगे हम, जितना आप तेज़ खाना पसंद करते हो वो हिसाब से लीजिए। अब हमने एक मिक्सर का जार लेकर इसमें गीला नारियल डाल दिया है, चने की दाल डाल देंगे हम। दाल डालने के बाद हम लहसुन डाल देंगे, इस हरी मिर्च डाल दी हमने, 2 हरी मिर्च ली हमने। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसका मिक्सर में डालकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक मिला लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारी चटनी तैयार है, अब हम इसमें तड़का देंगे। हमने तड़का पैन लिया है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है आपको, 1 चम्मच ही आप तेल डालिए। हमने 2 सूखी लाल मिर्चें डाल दी है इसमें, 6 से 7 कड़ी पत्ते डाल दिए हमने। 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे हम, 1/2 चम्मच राई डाल दी हमने। आइए इसे तड़का लगा देते हैं। देखिए हमने तड़का लगा दिया है चटनी के ऊपर, हमारी चटनी अब रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, साउथ इंडियन स्टाइल में हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे इडली, डोसा, मेंदू वड़ा सबके साथ आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए हमारी चटनी कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी लग रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।